नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोने। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा करेंगे। राज कपूर साहब पर फिल्माया गया बहुत ही बेहतरीन गाना है, बहुत ही उम्दा गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। जी हाँ, ये जो उजले मुखड़े वाले लोग हैं और ये जो माटी के पुतले हैं, इन्होंने ही इस धरती को बर्बाद कर दिया है। इस सम ऐसे ही रहा तो ये धरती, हमारी जो प्यारी सी धरती है, रहने लायक नहीं रहेगी। हर तरह का प्रदूषण जो भी हो सकता है हमने किया है यहां पर, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, पानी पीने लायक नहीं रहा, बोतलों के अंदर पानी मिल रहा है, तभी भी हम लोग नहीं चेत रहे हैं। आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। क्या छोड़ के जाएंगे हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए यदि ये कंडीशन रही तो। इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए हमेशा सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए जाते हैं, पूरी पृथ्वी पर आयोजित किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है उसमें। साइकिल चलाना चाहिए। अरे जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म होती है लोग अपनी कार लेके निकल जाते हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि साइकिल चलाना चाहिए। लोग पेड़ पौधे केवल फोटो खिंचवाने के लिए लगा रहे हैं। हमें यह सोचना है कि हम किस प्रकार से इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। इस पृथ्वी को बचाने की बात तो दूर, इस पृथ्वी को जो बचाने वाली जो लेयर है, ओजोन लेयर, इसको भी हम लोगों ने फाड़ डाला ऐसे ऐसे केमिकल बना के। ऐसे केमिकल्स हमने बनाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल्स हमने बनाए, जिससे ये ओजोन लेयर ही क्षतिग्रस्त हो गई है। पृथ्वी कैसे बचेगी? हम लोग ही उत्तरदायी होंगे इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। अभी बहुत समय है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। हमें एकजुट होना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी शीघ्रातिशीघ्र हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा, पूरे वर्ल्ड को मिलकर काम करना होगा। आज अमीर लोग जो होते हैं, मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा है कि उनमें एक प्रवृत्ति बढ़ गई है, खूब सारी कारें लेके चलेंगे, खूब सारे वाहन लेके चलेंगे। इसके अलावा उनमें एक प्रवृत्ति और बढ़ रही है बहुत सारे अमीर लोगों के अंदर, जब जेब में पैसा आता है तो फार्म हाउस खरीद लेंगे जंगलीय क्षेत्रों में जाकर। इससे ह्यूमन का दखल हो रहा है जंगलीय क्षेत्रों के अंदर। एक वन जो है, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, उनके पास लोग जंगल अपने फार्म हाउस खरीद लेते हैं। इससे भी वन्य जीव को नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। तो किस तरीके से हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, ये हमें केवल पढ़ना नहीं होगा, हमें इसको लागू करना होगा अपने दैनिक जीवन के अंदर। पर्यावरण विज्ञान की हजारों किताबें चलती है, अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, यदि उनको लागू किया जाए, और क्यों ना लागू किया जाए, इसको लागू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अब कोई हाथ जोड़ने वाली बात नहीं कि पृथ्वी बचा लो। कानूनन हमें लोगों को रोकना होगा जो कि इस पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि प्रदूषण कर रहे हैं, हर तरह का प्रदूषण कर रहे हैं, उनको कानूनन रोकना होगा। वृक्षारोपण को कानूनन अनिवार्य करना होगा, तभी हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, तभी हम इस पृथ्वी को संरक्षित कर सकते हैं। आज मैं जब दूसरे प्लेनेट्स को देखता हूं, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो शनि ग्रह हो, ये वीरान ग्रह है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। तो मैं अब 100% मेरा ये मानना है कि यहां पर जीवन रहा होगा, कभी जीवन रहा होगा, और हमारे जैसे माटी के पुतले वहां पर पैदा हो गए होंगे, और जिन्होंने इसको, इन ग्रहों को वीरान कर दिया होगा अपनी एक्टिविटीज के कारण, उनको प्रदूषित करके। तो हमारी पृथ्वी कभी वीरान ना हो जाए, आज से ही हमें मेहनत करके मिलकर इसे बचाना होगा। हमें हर वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे जिसके कारण हमारी पृथ्वी बच जाए। अभी हाल ही में कोरोना संकट के समय में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सब लोगों को पेड़ पौधे याद आ गए थे। हम इस तरह के आर्टिकल्स अखबारों में आने लग गए कि एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर कितने का आता है, और एक दिन के अंदर एक पेड़ कितना ऑक्सीजन निकालता है।
पढ़कर बहुत लोगों ने खूब मजे किए, खूब लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? कुछ जब कोरोना कुछ अभी नहीं है समय कोरोना, तो सब लोग वापस भूल गए पेड़ पौधों को। वास्तव में अपने दिल से पूछिए कि आपने आज तक कितने पेड़ लगा दिए और उसमें से कितने पेड़ बड़े हो गए, कितने पेड़ लगा दिए। केवल लगाना और फोटो खींचना जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो पौधे के साथ लगाते हुए की फोटो खींचना, इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कितने पौधे लगा दिए और उसमें से कितने पौधे चल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जस्ट आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मिलकर काम कीजिए। जहां पर पौधे हैं, जहां पर नेचर है, वहां पर जीवन है। आप अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आने वाली पीढ़ी को हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमें किस तरीके हम ऐसी पृथ्वी उनके लिए छोड़ के जाएं जैसे हमारी पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मेरे इस टॉपिक को, मेरे इस लेक्चर को आप फैलाइए, क्योंकि एक लेक्चर नहीं है ये, इस पृथ्वी को बचाने की बात है। हमें जितने भी आज जीव जंतु लुप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधे लुप्त हो चुके हैं, उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी जो वर्तमान में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनको लुप्त होने से बचा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।